हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंफिनिटी रिसर्च। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। माय नेम इज प्रीति, आई एम रिसर्च स्कॉलर एट आईआईटी बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोज देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोज चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी अगरतला के बारे में। तो एनआईटी अगरतला की तरफ से जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे उनके जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है फॉर द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वो आ चुकी है। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो फिर nita.ac.in। उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे नोटिसेस का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। उसको हम क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सारा नेम ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज नेम वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सारे आपको डिपार्टमेंट के आईडीज मिल जाएंगे और डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। तो फर्स्टली है बायो इंजीनियरिंग, उसमें अराउंड 4 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और उनका यहाँ पे सब नेम मिल गया है और कोर्स टाइप भी यहाँ पे दिया हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग के 2 कैंडिडेट है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए अराउंड 13 कैंडिडेट है, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसके लिए अराउंड 9 कैंडिडेट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अराउंड 10 कैंडिडेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए अराउंड 10 कैंडिडेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 कैंडिडेट है, मैकेनिकल के लिए 7 है, प्रोडक्शन के लिए 2 है, केमिस्ट्री के लिए 5 कैंडिडेट है, मैथमेटिक्स के लिए 13 कैंडिडेट है, फिजिक्स के लिए 4 कैंडिडेट है, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए 5 कैंडिडेट है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन किया हुआ है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का वो 1 अप्रैल से पहले होना चाहिए, उसके बाद वाला होना चाहिए। और नोटिफिकेशन आपको एलिजिबिलिटी एज पर जो नोटिफिकेशन था वो होना चाहिए फुल टाइम स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए, जो और पार्ट टाइम के लिए उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। और फिजिकल मोड में आपका इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट होगा और वो है 21 जून को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होगा। तो एक ही दिन में आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा फिजिकली और 50% एंड अबो मार्क्स स्कोर करने हैं फॉर रिटर्न टेस्ट। ठीक है, बाकी सारे डिटेल्स आपको जो नोटिफिकेशन है वहां पर मिल जाएगा। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन सबको ऑल द बेस्ट और अच्छे से रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।